प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे ले जाते हुए शनिवार को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। साथ ही कहा कि ये कारोबारियों को सुविधा देने के लिए हमारे द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभ के अतिरिक्त है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने बिजली पानी के बिलों पर एक साल तक 50% छूट का भी ऐलान किया। सभी कर्ज धारकों के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है। अच्छे मूल्य निर्धारण पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी। बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान की आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त कर दिया था और राज्य का पुनर्गठन कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पहली बार आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयकों का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। संसद के मानसून सत्र में लाए गए कृषि से जुड़े विधेयकों को किसान विरोधी बताते हुए शिरोमणि अकाली दल कोटे से मोदी सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने पर गर्व है। हरसिमरत कौर ने कहा कि किसानों के हितों से उनकी पार्टी किसी तरीके का समझौता नहीं कर सकती। कृषि से जुड़े विधेयकों का पंजाब समेत देश भर में काफी विरोध हो रहा है, क्योंकि किसान और व्यापारियों को इससे एपीएमसी मंडियां समाप्त होने की आशंका है और यही वजह है कि इसका इतना विरोध हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलों के विरोध को लेकर कहा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और नरेंद्र सिंह तोमर को उनके मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। वैसे हरसिमरत कौर ने ऐसे ही मोदी कैबिनेट की कुर्सी नहीं छोड़ी है, बल्कि 1.5 साल बाद पंजाब में होने वाले चुनाव के समीकरण को साधने का ये एक दाव चला है। एनआईए ने अलकायदा के बड़े नेटवर्क के पर्दाफाश का दावा किया है। एनआईए ने अलकायदा मॉड्यूल को लेकर केरल और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की। एनआईए की इस छापेमारी के दौरान 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जो दिल्ली एनसीआर में कई प्रमुख प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना बना रहे थे। एनआईए के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। आतंकवाद रोधी जाँच एजेंसी ने भारत के विभिन्न स्थानों पर अलकायदा गुर्गों के एक इंटरस्टेट मॉड्यूल के बारे में पता चलने के बाद केरल की एर्नाकुलम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कई स्थानों पर एक साथ छापे मारे। इस छापेमारी में केरल के एर्नाकुलम से 3 जबकि बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी साजिश को लेकर इनपुट मिलने के बाद इन पर निगाह रखी जा रही थी। छापे के दौरान इनसे डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों, जिहादी साहित्य, तेज हथियार, स्थानीय स्तर पर निर्मित बॉडी आर्मर, विस्फोटक बनाने में मदद के लिए लेख और साहित्य सहित बड़ी मात्रा में आपराधिक सामग्री जब्त की गई है। अब इन्हें पुलिस हिरासत और आगे की जांच के लिए केरल और पश्चिम बंगाल में संबंधित न्यायालयों के समक्ष पेश किया जाएगा। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा की है। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूलों को 30 सितंबर तक बंद करने का फैसला किया था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसी अटकलें थी कि कुछ शर्तों के साथ दिल्ली में स्कूल कॉलेज 21 सितंबर से खुल सकते हैं, लेकिन अब केजरीवाल सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.